भाई सबसे पहले हम लोग अपना एक दाल मखनी टेस्ट करते हैं। बहुत स्मूथिंग फ्लेवर है, मुँह में जाकर खुल रही है दाल मखनी, अमेजिंग। और काफ़ी अच्छे से क्रीम इन्होंने डाली है दाल मखनी के अंदर, तो ऊपर अमूल वाइट क्रीम डालते हैं वो भी, सो इट्स वेरी गुड टेस्ट। नेक्स्ट आइटम विच वी नीड टू टेस्ट इज थोड़ा सा बूंदी रायता विद छोले, बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं रायता। डीसेंट फ्लेवर, कॉमन है, बहुत जगहों पे मिलता है, तो मैं इसे कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं कहूँगा। हेलो गाइस एंड वेरी वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ फूडनिया। दोस्तों आज मैं आया हुआ हूँ अपने दोस्तों के साथ गुलचंद मेट्रो स्टेशन पे, संजय चुड़चुर नान के यहाँ, उनकी प्यारी सी और टेस्टी सी नान टेस्ट करने के लिए। जिस नान को हम लोग टेस्ट करने वाले हैं उसका नाम है पनीर प्याज नान, 160 रुपए की हाफ प्लेट है, अ लिटिल बिट कॉस्टली साइड, बट पता नहीं टेस्ट कैसा है, मैंने कभी टेस्ट नहीं कराया, बस सुना था कि बहुत अच्छी होती है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं और इनकी नान को टेस्ट करते हैं। सो गाइस यहाँ सामने आप अपना ऑर्डर दे सकते हैं, और जैसे ही आप टर्न लेंगे, ऑर्डर देने के बाद आपको एक टोकन मिलेगा, उस टोकन को आपको यहाँ प्रोवाइड करना है। ये इनकी किचन है, मैं एक बार आपको अंदर से लुक देता हूँ कि किचन का, ये किचन, ये सारी सब्जियाँ रखी हुई है नीचे, और आप यहाँ से अपना ऑर्डर लेके आराम से बैठ के इन सीटों पे खा सकते हैं। तो गाइस ये आ गई है हम लोगों की पनीर प्याज नान, इसमें हमें मिले हैं संग में छोले, शाही पनीर, दाल मखनी, रायता और प्याज और चटनी। एक बार मैं आपको नान बिल्कुल पास से खोल के दिखाता हूँ कैसी है। ओ आप देख सकते हैं पनीर की फिलिंग और प्याज की फिलिंग कितने अच्छे से करी गई है। लोगों को मिला है इसके संग दाल मखनी, ये रायता, ये शाही पनीर। शाही पनीर में पनीर है भाई, है दो पीस है अच्छे खासे, सो इट्स अ गुड क्वांटिटी पनीर। संग में हमें मिली है प्याज और चटनी, ये चटनी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके अलावा हमें मिले हैं ये छोले, और छोले के बाद आती है मेन आइटम की बारी जो कि है पनीर प्याज नान। पनीर है इसमें लबा लब भरा हुआ जैसे मैंने आपको बताया, फटाफट टेस्ट करते हैं, छोटा सा बाइट लेता हूँ मैं। ये देखिए मैंने पनीर से लबा लब बाइट उठाया प्याज वाला, मेरा मन कर रहा है मैं इसे शाही पनीर से खाऊं। दाल मखनी तो सब लोग खाते हैं, सबसे पहले शाही पनीर की तरफ अटैक करते हैं। शाही पनीर बहुत अच्छा हो रहा है, काफ़ी टाइम बाद मैंने इतना अच्छा शाही पनीर खाया है। इसके अलावा ऐसा शाही पनीर मैं आपको लाइक सजेस्ट कर सकता हूँ कि अच्छे अच्छे होटलों में भी नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप कभी यहाँ आते हैं मूलचंद पे और आपको लगती है भूख, तो मूलचंद पराठे के अलावा भी एक ऑप्शन है संजय चुड़चुर नान, और यहाँ पे आके आप एक टेस्टी सा चुड़चुर नान खा सकते हैं, वो भी तीन अलग अलग सब्जियों के साथ। एक बार मैं आपको सारी सब्जियाँ फिर से दिखाता हूँ, शाही पनीर, दाल, छोले और रायता, प्याज आपकी मर्जी है, जैसे अब मैं खाने के बाद मुझे अच्छी लगती है एक पीस। तो वैसे अगर आपको चुड़चुर नान पसंद आई हो, मुँह में पानी आया हो वीडियो देखते हुए, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।